आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है जी मुंबई वर्सेस दुबई सिटी सिनेमैटिक कंपैरिजन, मुंबई वर्सेस दुबई और मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स। इनके चैनल का नाम है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मलिक सगला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज अगर आपसे दुनिया के कुछ बेहतरीन सिटीज के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में मुंबई और दुबई का नाम जरूर आएगा। बिल्कुल, इसीलिए आज हम एक्सप्लोर और कंपेयर करेंगे दुनिया के दो शानदार शहरों को। भले ही ये दोनों सिटीज किसी भी देश की राजधानी नहीं है, लेकिन आज के दिन दुनिया की फेमस सिटीज की बात हो तो दुबई और मुंबई का नाम उस लिस्ट में जरूर शामिल होगा। फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बना चुकी ये दोनों सिटीज देश में ही नहीं पूरी दुनिया में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। वैसे बहुत कम लोगों को ही पता है कि दुबई शहर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई नामक देश के 7 एमिरेट्स में से एक है और अपने हाई राइज बिल्डिंग और लग्जरी लाइफ की वजह से दुबई का नाम इतना मशहूर हो चुका है कि यूएई देश से भी ज्यादा दुनिया में लोग दुबई के नाम को जानते हैं। वहीं मुंबई को अपने बॉलीवुड की वजह से सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा इन दोनों सिटीज का कंपैरिजन। और सबसे पहले बात करते हैं दोनों सिटीज के एरिया की। तो यूएई के 7 एमिरेट्स में से एक दुबई का टोटल एरिया 4114 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। वहीं भारत के महाराष्ट्र स्टेट की राजधानी मुंबई मेगा सिटी का एरिया लगभग 603 स्क्वायर किलोमीटर और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एरिया लगभग 4355 स्क्वायर किलोमीटर है। वैसे एरिया को कंपेयर करने के बाद आपको लग रहा होगा कि दोनों शहरों की जीडीपी भी लगभग सेम ही होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बात करें दुबई शहर की जीडीपी की, तो दुबई की जीडीपी लगभग 110 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। वहीं मुंबई शहर की जीडीपी लगभग 277 बिलियन डॉलर के करीब है। और अब आपके मन में ख्याल आएगा कि दुबई शहर इतना डेवलप होने के बाद भी जीडीपी के मामले में मुंबई शहर से पीछे कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब है पॉपुलेशन। जी हाँ, जहाँ दुबई की पॉपुलेशन सिर्फ 35 लाख के करीब है, जिसमें करीब 40% पॉपुलेशन भारतीय ही हैं, वहीं 2,64,00,000 लोगों के साथ मुंबई भारत का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर है। इसी वजह से दुबई और मुंबई शहर के लिविंग स्टैंडर्ड्स में काफी फर्क है, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं दुबई में मुंबई के कंपेरिजन में सिर्फ 8% लोग ही रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुंबई शहर में बिलियनियर्स की कमी है, क्योंकि दुबई के 13 बिलियनियर्स के मुकाबले मुंबई में कुल 72 बिलियनियर्स रहते हैं, जिसमें एक नाम मुकेश अंबानी का भी है, जो मुंबई में ही दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया में रहते हैं। लेकिन अमीरी में दुबई का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस शहर में आपको हर वो चीज मिलेगी जिसके बारे में हम सिर्फ सोच ही पाते हैं, चाहे फिर बात हो दुनिया के इकलौते 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब की, या मैनमेड आइलैंड पाम जमुरा की, या दुबई एक्वेरियम, अंडरवाटर जू, आयन दुबई और म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को देखकर लगता है कि हम किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी में हैं। वहीं मुंबई भी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक स्काईस्क्रेपर्स के साथ साथ गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के साथ अपनी पुरानी विरासत को संजोए यूं ही सपनों का शहर नहीं कहा जाता। जहां दुबई 828 मीटर हाइट वाली दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के अलावा 240 स्काईस्क्रेपर्स के साथ दुनिया के टॉप 4 शहरों में शामिल है, तो वहीं 300 मीटर ऊंची पैलेसेस रॉयल के अलावा 200 स्काईस्क्रेपर्स के साथ मुंबई भी इस मामले में ज्यादा पीछे नहीं है। वहीं बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो दुबई में मेट्रो, बस, कैब्स होने के बावजूद ज्यादातर लोग पर्सनल कार ही यूज करते हैं, क्योंकि दुबई में पेट्रोल और पानी के प्राइस लगभग सेम है। वहीं मुंबई में पेट्रोल प्राइस
और ट्रैफिक के कारण लोग लोकल ट्रेन्स और मेट्रो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको कौन सा शहर ज्यादा अच्छा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने शहर का वीडियो चैनल पे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के अपनी सिटी का नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तो गाइस दोनों शहर अपनी अपनी जगह बेहतरीन है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ों में दुबई ऊपर है, कुछ चीज़ों में मुंबई ऊपर है। जैसे जीडीपी का हिसाब लगा रहे हैं तो जीडीपी मुंबई की ज़्यादा है, पॉपुलेशन मुंबई की ज़्यादा है, स्क्वायर फीट मतलब जितने भी ये एरिया है वो भी मुंबई का ज़्यादा है। तो बाकी अगर अमीरी के हिसाब से चेक किया जाए तो सहूलतें जो हैं वो ज़्यादा दुबई में, उन्होंने भी बताया कि दुबई में है, तो इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी मेट्रो बसेस और दूसरी कैब्स वगैरह वो दोनों शहरों में हैं, वो अपने हिसाब से आवाम अपने अपने हिसाब से आवाम यूज़ कर रही है, ज़्यादा उधर गाड़ियाँ अपनी हैं और लोग भी यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल। और इधर भी जो है वो गाड़ियाँ, हालांकि मुंबई में गाड़ियाँ भी होंगी लेकिन यह है कि वो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से जो है ना वो लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और बाकी खूबसूरती के लिहाज से देखा जाए तो दोनों शहर अपने अपने लिहाज से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। बाकी यह है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, वीडियो उन्होंने क्रिएट अच्छी की है और बाकी इन जैसे शहरों का आपस में कंपैरिजन बनता है, पाकिस्तान के साथ किसी शहर के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। Don't think about it. तो इसलिए हमने वो कमेंट भी आया हुआ था कि मुंबई वर्सेस दुबई करें, क्योंकि दुबई के साथ ही टकराव हो सकता है तो और बाकी मुंबई के साथ ही टकराव हो सकता है इसका, मुंबई का। और मुंबई जो है वो ऐसा जो है ना वो उस लेवल तक भी आ जाएगा, दुबई को भी पीछे छोड़ जाएगा। और बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, और क्योंकि कुछ चीज़ों में दुबई जो है वो ऊपर है, जैसे वो 7-star होटल की वजह से और बाकी भी कुछ चीज़ें हैं, और लेकिन जो हिस्टोरिकल प्लेसेस की वजह से मुंबई ऊपर है, क्योंकि वो दुबई में हिस्टोरिकल प्लेसेस तो है नहीं है और क्योंकि वो मुंबई में है तो मुंबई में उन्होंने संभाली भी हुई हैं और उनको उनकी केयर भी करते हैं। तो मतलब ये है कि ओवरऑल अपने अपने लिहाज से बेस्ट हैं और मुंबई आइंदा कुछ सालों में जो है दुबई से ऊपर चला जाएगा, नो डाउट। और वीडियो मैं कहूँगा जी हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो ये एशियन जितने भी कंट्रीज हैं, इंडिया कर ले, पाकिस्तान कर ले, बेसिक दो जो हमारे सामने नज़र आती हैं हमें, ठीक है, एक में हम रह रहे हैं जहाँ के हम हैं, फिर एक दूसरा है इंडिया। और आई थिंक वहाँ पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, हमें वो चीज़ें नज़र ना आए तो हम एक मतलब क्योंकि मैं वहाँ में रह के आया हूँ और वहाँ पर ये सिचुएशन थी कि मतलब कि आपको अपनी जो आबाओ अजदाद की चीज़ें हैं या अपना रहन सहन है, अपना माहौल जो है, वो आपको कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि यार उस माहौल में हम जिंदा रह रहे हैं, वरना आप मिस आउट करेंगे उस चीज़ों को। तो मेरे ख्याल में मुंबई में दुबई में सिर्फ घूमने के लिए बंदा जा सकता है, रहने के लिए जो है ना वो बंदा बोर ही हो जाएगा, बोरियत हो जाती है, क्योंकि वो लाइफ स्टाइल ठीक आप ये कर सकते हो, आप लग्जरी किस्म का लाइफ स्टाइल, वहाँ पे नज़ारे तो अच्छे हैं लेकिन वो चमचमाती दुनिया जो है ना आपको बोर कर देगी एक वक्त के बाद। लेकिन मुंबई का ये हिसाब है कि हम उस रहन सहन के हिसाब से हैं और मिक्स हिसाब है और मज़ा आता है। आप वहाँ पे अगर इतना पैसा आपके पास है, वहाँ पे मुंबई में आप रिहाइश करते हैं, ट्रैवल करते हैं, दुनिया की हर चीज़ आपको हर सूरत मिलेगी, वहाँ पर भी मिलेगी और लोगों के साथ जो इंटरेक्ट होंगे वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। और दुबई की बात करें तो आप बाहर घूमते हैं, अगर रोड पे ट्रैवल करते हैं आपने नॉर्मल वे ब्लॉकर है या साइकिलिंग करते हैं, यकीन माने आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और बीचेस पे आपका टाइम है, वो जवाब जैसे बता रहा था कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक आप बीच के नज़दीक भी मत जाना, आप गए आप पानी को आपने हाथ लगाया तो चलेंगे और जी भी हालत हो जाएगी आपकी, और वो भी शाम का टाइम होता है तो तब जाके लोग वहाँ पर ट्रैवल करते हैं, इंजॉय करते हैं। बस ये है कि एक दो बार आप इंजॉय कर लोगे उसके बाद घर के मुर्गी दाल बराबर हो जाता है साहब। जबरदस्त वीडियो थी, अच्छा कंपैरिजन था और उनका कंपैरिजन कर
का बनता था, अच्छी रिपोर्ट दी है और माइनर माइनर जो चीज़ें थी वो उन्होंने सामने लेके आए हैं ज़बरदस्त। और आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगी, हम लोग भी साथ अगर एंजॉय की इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक शेयर खूब किया करें, सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें। और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिए वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चैनल को सपोर्ट करें। मज़ा आया देख के, एंजॉय किया और आई लव दिस प्लेस। और आई होप ये वीडियो आप लोगों ने भी एंजॉय की होगी, हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ठोक दिया करें। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।